वो जो स्कूल के बच्चे थे, मैं उनका नाम भी पूछना भूल गया, स्कूल के बच्चे थे वो लेकर आए पानी आस पड़ोस के घर से कहीं से, तो पानी वानी पिलाया उन्होंने पापा को, फिर 2 मिनट पापा बैठे और पापा को पता ही नहीं था कि हुआ क्या। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निष्काम भाटिया, आपका फिर से स्वागत है एक बार नए ब्लॉग के अंदर। आज है 26 अप्रैल 2022, इस वक्त सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आज ब्रेकफास्ट किया था परांठे और रात को जो माँ छोलियां दी दाल बनाई थी वो नाल पंजाबी की बोल रहा हूँ बीच में। इट्स ऑलरेडी 10:30, चलो फिर काम शुरू करते हैं आज का। आज पता है एक और स्पेशल डे है, आज पापा को पूरे 36 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, तो पापा से उनका 36 सालों का एक्सपीरियंस जानेंगे आज, और छोटे मोटे जो किस्से होते हैं वो भी सुनेंगे। क्या सोचा है पार्टी शार्टी का? पापा को अपने देंगे, पापा थोड़े देंगे, खाना ले आते बाहर से, केक ले आएंगे, केक ले आऊंगा मैं। हाँ पेस्ट्री भी सही हो, पेस्ट्री ज़्यादा बेटर होती है, देख लूँगा बढ़िया, दो अलग अलग फ्लेवर की ले आऊँगा, थोड़ी थोड़ी सब ट्राई कर लेंगे, अलग अलग फ्लेवर की ले आऊँगा। तो इस वक्त अभी 1:30 बज रहे हैं और पापा का भी फोन आ गया, 2 बजे तक पापा को लेने भी जाना है मुझे। पहले बाइक धो लेता हूँ क्योंकि बाइक बहुत गंदी हुई पड़ी थी, तो प्लान कैंसिल हो चुका है धोने का क्योंकि फ़ोन फिर से आ गया, पापा पहुँचने वाले हैं, तो पहले लेने जाता हूँ मैं, आके शाम को देखता हूँ, शाम को धो लूँगा। चलो भाई लेट्स गो। पापा को लेकर आया मैं और अभी लंच कर लिया मैंने, और भाई साहब ऐसा खतरनाक इंसिडेंस हुआ, क्या बताऊँ मैं आपको। पापा को मैंने जैसे ही बिठाया बाइक के ऊपर, पापा ने कहा भी थोड़ा पानी वानी पीना है, तो मैंने पापा को, पापा ने अपनी बैग से निकाली बोतल पानी पिया, थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा भी 1 मिनट की दूरी पे ही घर है, बिल्कुल पास में था, ज़्यादा दूर नहीं था, मैंने कहा 1 मिनट में घर है, पहुँच जाएंगे हम लोग, तो घर जाके आपको पानी पिला रहा। थोड़ी आगे गए ट्रैफिक आ गया बीच में, तो पापा ने मेरे को कहा भी चक्कर आ रहा है मुझे, तो मैंने पापा को बोला भाई टाइट पकड़ लो आप, और पहुँच गए बस थोड़ी देर में, मैंने मतलब ऐसे कभी पहुँचने वाले हैं बस, भाई मुझे लगा भी आए हैं गर्मी के अंदर, क्योंकि आगे क्या है ना, पापा जाते होते हैं शेयर गाड़ी के अंदर जाते होते हैं किसी और के साथ में, तो वो आज गए नहीं थे, तो उनकी जगह पापा फिर बस में आए आज, और बस में इतनी भयंकर गर्मी, 42 डिग्री का टेम्परेचर वैसे ही हुआ पड़ा, और इतनी गर्मी के अंदर वैसे ही बंदे का हालत ख़राब हो जाती है, तो बस पापा को क्या हुआ चक्कर आ गया अचानक से, तो मैंने पापा को कहा कि मुझे टाइट पकड़ लो बाइक पे और मैं आपको पहुँचा दूँ घर पे। तो मैं पापा से बात करता करता जा रहा था, मैंने कहा बात करते करते रहेंगे जाएंगे तो अलर्ट रहेंगे और इतने में घर आ ही जाएगा, तो इतने में मैं बोल रहा हूँ और पापा एकदम चुप हो गए, तो जो मैंने पापा को कहा था टाइट पकड़ लो, पापा ने एकदम अपने हाथ भी लूज़ कर दिए, तो हाथ लूज़ करते ही मैंने कहा भाई पापा को, मैंने ज़ोर ज़ोर से बुलाया, मैंने पापा सुनो, तो पापा का अचानक से बैग गिर गया नीचे सड़क के ऊपर, भाई मेरी हालत ख़राब, इस हाथ से मैंने पकड़ा पापा को साइड में और बाइक करी साइड में, पीछे से ट्रक वगैरह फुल ट्रैफिक आ रहा था फुल तेज़ी से, बाइक मैंने साइड लगाई, उसके बाद पापा को उतारा, और इतने लोग जा रहे थे कोई भी नहीं रुका, सिर्फ एक बंदा था साइकिल वाला और 2 स्कूल के बच्चे थे, सिर्फ वो रुके, बाकी लोगों में से कोई नहीं रुका। तो पापा को उतार रहे थे, मैं पापा एकदम बिल्कुल मतलब बेहोश ही हो चुके थे, पापा को उतारते उतारते हमने साइड में छांव थी वहाँ पे बिठाया था छांव के अंदर, और इतने में ही तुरंत वहाँ पे एम्बुलेंस भी आ गई थी, तो एम्बुलेंस वाले ने बंदे ने देखा
भी उसने बता दिया, देखती बता दिया कि भाई चक्कर वक्कर आया है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप थोड़ा पानी वानी पिला दो इनको, मुँह हाथ धुलवा लो और थोड़ी देर रेस्ट करवा के और फिर उसके बाद में घर ले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। वो जो स्कूल के बच्चे थे, मैं उनका नाम भी पूछना भूल गया, स्कूल के बच्चे थे वो लेकर आए पानी आस पड़ोस के घर से कहीं से, तो पानी वानी पिलाया उन्होंने पापा को, फिर 2 मिनट पापा बैठे और पापा को पता ही नहीं था कि हुआ क्या। पापा को मतलब तकरीबन 100 मीटर के गैप के अंदर पापा को पता ही नहीं है कि पापा कब बेहोश हुए कब हुआ। फिर उसके बाद रुमाल वगैरह गीला किया मैंने, रुमाल गीला करके लगाया पापा के गर्दन वगैरह पे, उसके बाद में पापा को घर पे लेकर आए, खाना वाना खाया। अभी फ़िलहाल पापा ठीक है, और बाकी पापा से पूछ लो क्या हुआ था बता दो भाई, हालत ख़राब कर दी थी मेरी तो आपने भयंकर डर गया था मैं, मुझे पता ही नहीं चला चैल चौक के बाद क्या हुआ बिल्कुल भी। मतलब मैं बुलार से मेरी आवाज़ भी नहीं आई आपको, महसूस ही नहीं हो रहा था क्या हुआ, अनकॉन्शियसनेस होगी होगी ना अचानक से। लेकिन भाई मेरे दिमाग मतलब दिमाग में ना उस ऐसी मोमेंट में मतलब दिमाग में कुछ आता नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में अचानक से थॉट्स यही आ रहे थे कि भाई पापा पानी के लिए बोल रहे हैं, तो मैंने तुरंत पानी ही मंगाया, तो पानी लाकर पानी वानी पिलाया तो एकदम नॉर्मल हो गए। और अचानक से होश पता कैसा है, पापा को जब बाइक से उतार रहे हैं ना, तो बाइक का सिलेंसर गर्म था, तो पापा का जो पैर है वो टच हुआ सिलेंसर के ऊपर, और टच होती है अचानक से एकदम पापा जाग गए, क्योंकि वो एक रिएक्शन एकदम से आया वो गरम गरम का, तो जागे तो फिर उस टाइम पे थोड़ा एकदम पापा ठीक हो गए कि हाँ भाई अब कल से बैग के अंदर ग्लूकोन डी रखना है। दूसरी चीज, बस के अंदर नहीं जाना है हमेशा, या तो कैब कर लेना है यहाँ से या कुछ भी है, बस में नहीं जाना है। और तीसरी चीज, पानी भर के लाना है हमेशा, जहाँ भी ख़त्म हो जाए पानी, पानी पास में रखना है, ठीक है ना भाई। गर्मी भयंकर वाली है राजस्थान की, 43 डिग्री इस टाइम पे टेम्परेचर हुआ पड़ा, और ऐसी लू चल रही है ना, मैं तो अभी 2 मिनट के लिए लेने गया था पापा को, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बाकी मैंने आज सोच रखा था कि आपकी जर्नी के बारे में सारा जो बताऊंगा, आया कुछ 36 साल हुए मैं पापा को वहाँ पर कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ, अभी आपके 36 साल पूरे हो गए, पापा की आवाज़ ही नहीं आ रही है पीछे से, पापा बेहोश में पड़े हैं। कंग्रेचुलेशन आपका देते हैं। तो पापा से शाम को पूछते हैं, अभी सोते हैं, रेस्ट वेस्ट करते हैं थोड़ा, और शाम को पूछते हैं पापा की जर्नी कैसी रही, क्या क्या सीखा, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी, वो सब चीज़ें सब शाम को पता करेंगे। चलो अब मैं सोने जा रहा हूँ। तो गाइस अभी 6 बजने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, और आती बार पेस्ट्री भी ले आएंगे पापा के लिए, और बाकी रात का खाने वाने का सीन तो बाहर का ही है। ठीक है ठीक है। बज रहे हैं और अभी भी इतनी ज्यादा लू चल रही है। तो गाइस मैं वॉक से वापस तो आ गया हूँ, लेकिन जो सामान लेने गया था ना वो नहीं मिला उसकी जगह पर, बाकी सब कुछ मिल गया। अब मेरे को लगता है शायद जोमेटो से ही ऑर्डर करना पड़ेगा। जो सामान लेने गया था वो मिला ही नहीं, आपके बाइक पे वापस गया, कहीं से भी नहीं मिला, जोमेटो से ऑर्डर करेंगे। जोमेटो से सब ट्रैक्टर इधर बैठ के बैठ के चेक करके आया उसके लिए। बढ़िया आज के इंसिडेंट के बाद में ना ग्लूकोज डी लेके आया हूँ पापा के बैग में, अभी हमेशा रहने वाला है, जब भी निकलेंगे स्कूल से इसको पीकर ही निकलेंगे, बिना इसके निकलेंगे, क्योंकि भाई गर्मी में कुछ भरोसा नहीं है यार कब डिहाइड्रेशन हो जाए। पापा वैसे ही पानी कम पीते हैं, मतलब मैं घर के अंदर सबसे ज़्यादा पानी पीता हूँ और पापा सबसे कम पानी पीते हैं, और गर्मियों में डिहाइड्रेशन होना बहुत आम बात है, और इससे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मिलते हैं आपको, तो बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, साथ में जब भी धूप वगैरह में निकलो तो ग्लूकोन डी हेल्प करता है। आप लोग भी अपना खास ध्यान रखो गर्मी के अंदर, खासकर अभी जो मौसम चालू होने वाला, अभी तो मई और जून नहीं आया है, मतलब इसमें तो और भी बुरा हाल होता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखो, मतलब अगर आपको लग रहा है कोई चक्कर वक्कर आने वाली सिचुएशन हो रही है, आसपास किसी को भी बताओ, बैठ जाओ पानी वानी पी लो, इसको इग्नोर मत करो इस सिचुएशन को। तो गाइस काम ख़त्म हो गया है, और आज डिनर में भी काफ़ी लेट हो गए हैं, 8:45 बजे हैं, और मैंने पेस्ट्री और डिनर दोनों मंगवा लिया था बाहर से ही। फिलहाल पापा से मैं पूछूंगा, पापा के 36 साल हो गए हैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर, और एज अ टीचर और एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पापा ने क्या क्या चीज़ें सीखी उन 36 सालों में। चलो इसको ज़्यादा टफ ना करते हुए आप कुछ 3 लर्निंग्स ऐसी दे दो, जो कोई जैसे नया स्टार्ट कर रहा है बंदा, अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, और या कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई भी है, तो उसको किन 3 चीज़ों का ध्यान रखें अपने
करियर के दौरान? सबसे पहला तो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसके लिए जरूरी है, टाइम की फाउंडेशन है। जो टाइम अपना जो है, अगर जॉब जा रहा है तो पूरी निष्ठा से काम करना है, तो ही उसको जो है आगे उसका स्टेप बाई स्टेप आगे चलता जाएगा। अगर कहीं भी मन में उसके आता है, चाहे किसी तरह का भी जो है गलत फीलिंग है मन में उसके काम के लिए, तो उसको आगे जाके बुरा बना सके लिए। उसके बाद जो है आत्मविश्वास, वो होना जरूरी है, अदरवाइज कभी भी जो है डामाडोल हो सकता है वो। और तीसरी बात है निष्ठा काम के लिए, लगन जरूरी है। लगन के बिना कोई भी काम नहीं होगा, चाहे आप कितनी बड़ी जॉब पे चले जाओ, लगन जरूरी है। जिस काम में लगे हो उसमें पूरी तरह से जूझ जाओ। ये थी पापा की लर्निंग्स आफ्टर गिविंग 36 इयर्स इन द गवर्नमेंट जॉब। और अभी 2 साल और बड़े ना, अभी 2 साल की जॉब और पड़ी हुई है। दिसंबर 2023 में पापा रिटायर होंगे। तो कुछ इंसिडेंट्स वगैरह याद है जो जब आपने ज्वाइन किया था, कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ कुछ, या कुछ यादगार पल रहे हो? 86 में जॉब लगी थी मेरी, जब हमारा इंटरव्यू हुआ 23 को इंटरव्यू हुआ था हमारा यही गंगानगर में। उस टाइम ये एग्जाम वगैरह नहीं होते थे, सीधा इंटरव्यू अपने कॉल होते थे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से कॉल लेटर आता था, हम लोगों को जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते थे हमारे। उसके बाद मेरिट बनती थी, मेरिट के बाद जो है पोस्टिंग ऑर्डर। तो मैं एक्चुअल में उस टाइम मेरी साइकिल गुम हुई हुई थी, जब मैं यहाँ गया अपना इंटरव्यू देने। घर से ज़्यादा दूर नहीं था स्काउट हॉल में, इंटरव्यू था, पैदल ही गया था मैं। साइकिल भी गया है, मैं एक बार हॉस्पिटल में देखने गया था, मेरे रिलेटिव बीमार थे तो देखने गया, तो वहाँ बाहर वापस आया तो साइकिल गुम गई मैं। तो सदमा भी लगा, और उधर से ये कॉल लेटर भी आया हुआ, उसकी भी तैयारी में था। लोग कहने लगे ये पूछेंगे, हालांकि पूछा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया। जो मैंने डॉक्यूमेंट अटैच किए हुए थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो मैंने दे रखे थे, वो एक्चुअली मेरे पास है करी ओरिजिनल, हनुमानगढ़ जिले में, आजकल पीली बंगा के पास है लिखमीसर गांव। लिखमीसर में, अच्छा। तो वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई थी। हाँ। और 8 साल तक रहा मैं वहाँ। वहाँ से मैं आया साधुसर तहसील में है गांव एक सरदारपुरा जीवन, वहाँ भी लगभग मैंने 3-3.5 साल जॉब की। तो भाई 36 साल के अंदर 5 स्टेशन मतलब 5 जगह बदली पापा ने। और मैं तो रोज कुछ ना कुछ सीखता ही रहता हूँ पापा से, तो मुझे छोटी मोटी भी अगर फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज है तो वो सिर्फ पापा की वजह से ही है। तो मैं तो मतलब काफ़ी टाइम से सीखता ही आ रहा हूँ पापा से कुछ ना कुछ, सेविंग्स करना, उसको इन्वेस्ट करना, वो सब चीज़ें। आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं थी तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करनी जरूरी समझी। एक एक्सपीरियंस बंदा किस तरह से अपनी जॉब को देखता है और किस तरह से उसकी चीज़ को याद करता है, आई होप आपके जर्नी के दौरान ही आपकी मदद करेगा। फिलहाल डिनर इज सर्व्ड, डिनर करता हूँ मैं।